আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আয-যুলমু মুয-যিনুন বিখারাবিল উমরান ইবনে খালদুন। खलदून या खुलदून इस वक्त भूल गए हैं, फिर इसकी तहकीक कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे इंशाअल्लाह। जुल्म वार्निंग देता है, मुअज़िन आदना युअज़िनु बिही, इत्तिला देना, वार्निंग देना आबादी के उजड़ जाने की, बेल बजाना, ये लफ्ज इस्तेमाल करना सीख लीजिए। युज़ीनो जैसे आप कह सकते हैं अल गफलतु अनिद्दीन फिल उम्मा तुज़ीनो बिखराबिहा वहलाकिहा वदमारिहा। उम्मत के अंदर दीन से गफलत खतरे की घंटी बजाती है, वार्निंग देती है कि ये उम्मत बर्बाद होने वाली है। इसी तरीके से जिस हुकूमत में जुल्म होगा तो उसके यहां की आबादी उजड़ जाएगी, इस बात की इत्तला देता है जुल्म और इसकी बेल बजाता है, इसकी घंटी बजाता है। अलकसल वल गफलतु तुज़िनु बिफशलिल इंसान फिल हयात। अलगफलतु तुज़िनु बिल फशल, गफलत नाकामी की बेल बजाती है। बहुत ही अच्छी फिक्र पेश की है, फरमाते हैं एलम अन्नल उदवान अला الناس في اموالهم ذاهب بآمالهم। समझ लो अच्छी तरह से, ये हुक्काम को नसीहत है, हुक्मरानों को, कि लोगों पर तादी और ज्यादती करना, भी अमवालहिम उनके माल में दस्त दराजी करना, ज़ाहिबुन भी अमवालहिम ये जुल्म व ज्यादती उनकी उम्मीदों को खत्म कर देती है। जुल्म हुकूमत जब करेगी लोगों पर, उनके माल को ले लेगी, उनके माल पर कब्जा कर लेगी, तो फिर उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, आरजुएं मांद पड़ जाएंगी कि कमा के क्या करेंगे। ज़ाहिबुन, ज़हाबा भी के मायने खत्म कर देना। आप कह सकते हैं ان القعود عن المطالعه ذاهب بالعلم, مطالعه छोड़ देना, ان ترك المطالعه ذاهب بالعلم, علم کو برباد کر دے گا مطالعه چھوڑنا, تو ان کی امیدیں اور آرزوئیں ختم کر دیتا ہے ظلم, فی تحصیلها तहसील माल के सिलसिले में जो इंसान की उम्मीद होती है और शौक होता है, आरजू होती है, जुल्म उसको खत्म कर देता, वक्ति साबिहा और माल को कमाने की जो आरजू होती है वो। लिमा या रौनहू, क्योंकि वो देखते हैं उस वक्त, मा मौसूला मानेंगे लिल्लज़ी या रौनहू, क्या देखते हैं वो जिसके सबब ये उम्मीदें उनकी मुनक़ते हो जाती हैं, आरजुएं मर जाती हैं, जो वो देखते हैं उसकी वजह से। लिमा यरौनहू लिल्लज़ी यरौनहू, उस वक्त यानी जुल्म ज़्यादती के वक्त क्या देखते हैं, मिन बयानिया
वो ये देखते हैं कि नगायता कि जो माल वो कमा रहे हैं उसकी गायत और मसीरा उसका अंजाम क्या है, इंतहा बुहा मिन ऐदीहिम, ये है कि वो छीन लिया जाएगा उनके हाथ से। इंतहा माने छीन लेना, ये खबर है अन्ना की। इज़ा ज़हबत आमालुहुम, जब उनकी आरजुएं खत्म हो जाएंगी माल को हासिल करने और कमाने की, इनकबज़त ऐदीहिम, तो उनके हाथ रुक जाएंगे, यानी सई फी ज़ालिका, तगो दो करने से। आरजू ही तो इंसान से काम कराती है। इनकबज़त ऐदीहिम यानी सई ज़हबा बिही, खत्म करना, ज़हबा अल अमल, उम्मीद खत्म हो गई। इनकबज़त यदुहू अन ज़ालिक, ये भी अच्छी ताबीर है, जैसे अल यौम इनकबज़त ऐदिल मुस्लिमीना अन नस्र इख्वानिहिम, आज मुसलमानों के हाथ शल हो गए हैं अपने भाइयों की मदद करने से। वाला कद्र इतिदाई, वो निस्बती ही जिस कद्र जुल्म होगा और जिस तनासुब से होगा, यकून इनकबाज़ुर रियाया, रियाया का तगो दो से, कमाई के अंदर तगो दो करने से दूर रहना और मुनकबिज हो जाना और हाथ खींच लेना और बैठ जाना कमाई करने से, उसी कदर होगा। जुल्म के बकदर और उसी तनासुब से रियाया का सही को छोड़ना और सही से दूर रहना होगा कमाई के अंदर। अगर जुल्म कसीरन बहुत ज्यादा है, आमन फैला हुआ है, जिंदगी के तमाम अबवाब में, तमाम शोबों में, हर जगह जुल्म हो रहा है, हर तरह का माल ले लिया जाता है, कानल कुरूद अनिल कर्ज, तो कमाई से दूर रहना और बैठ जाना कजाली का इसी तरीके से आम होगा, जुल्म आम होगा, तो कमाई को छोड़ना भी आम होगा। लिजहा भी, क्योंकि ये जुल्म जो आम है ये खत्म कर दे रहा है, बिल आमाल जुमलतन, जुमला उम्मीदों को, जुमला यहां कुल्लिया के मायने में, जुमला उम्मीदों को खत्म कर दे रहा है, क्योंकि जुल्म आम है तो उम्मीदें भी सब आम खत्म हो जाएंगी। बिदखुल ही, ये जुल्म क्यों खत्म कर दे रहा है, दाखिल होने की वजह से, मिन जमी अबवाबिहा, तमाम जिंदगी के अबवाब से और तमाम रास्तों से दाखिल होने की वजह से, जुल्म जिंदगी के तमाम दरवाजों से आ जा रहा है, हर शोबे में आ जा रहा है, तो कमाई करने की उम्मीदें भी सब खत्म हो जाएंगी। وَإِنْ كَانَ الْإِعْتِدَاءُ يَسِيرًا, अगर जुल्म ज्यादती हल्की होगी, कम होगा जुल्म, तो कमाई से बैठना और दूर रहना भी उसी के निस्बत से होगा, उसी के बकदर होगा। बहरहाल इन्होंने बड़ी तफसील के साथ समझाया कि जुल्म करने से लोग कमाना छोड़ देंगे। وَالْعُمْرَانُ وَفُورُهُ, तो मुल्क की आबादी और उसकी तरक्की, वफूर यानी वफूरुल उमरान, व नफाक सूक ही, और बाजार का गर्म होना और तिजारत का फरोग पाना, नफाक सूक कहते हैं बाजार गर्म होना, बाजार का रवाज पाना और चलना, इन्नमा हुआ बिल आमाल, ये कोशिशों से और काम से होता है, लोग जितनी मेहनत करते हैं इतना ही बाजार चलता है, सबको तरक्की होती है, तो बाजार गर्म होता है और आबादी तरक्की करती है आमाल, काम काज करने से, उसाई नास, तगोदो करने से, फिल मसालेह यानी अच्छे कामों में, मसला लोगों के लिए फायदेमंद चीजों में, लोगों की कोशिशें जब होती हैं मुफीद उमूर में, मसलाहतों में, तो उसी से आबादी और मुल्क को तरक्की होती है। वल मकासिब, और लोगों की कोशिश करने से मसलाहतों में और कमाई की शक्लों में, जाहिबीना वजाइना, आते जाते, यानी ये आ रहा है, वो जा रहा है, ये ठेला चला रहा है, वो माल सप्लाई कर रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है,
ज़ाहिबीन व जाइना, तो लोगों की तगोदो मसालिहुल हयात में, जिंदगी की मसलाहतों में और कमाई की शक्लों में, मकसब कमाई की शक्लें में ज़ाहिबीन आते जाते जो कोशिशें रहेंगी, जो तगोदो रहेगी, उससे फिर बाजार गर्म होगा। अब ज़ाहिबीन व जाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अरन्नासा यसऊना وَيَنْهَمِكُونَ فِي الْمَعِيشَةِ زَاهِبِينَ وَجَائِينَ غَادِينَ وَرَائِحِينَ بھی اس جگہ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَعَدَ النَّاسُ، تو جب لوگ کمانے سے بیٹھ جائیں گے اور ان کے ہاتھ سکڑ جائیں گے، عَنِ الْمَكَاسِبْ دھندوں سے، کَسَدَتْ أَسْوَاقُ الْعُمْرَانِ، تو آبادی کے بازار ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ٹھپ پڑ جائیں گے۔ کسدہ کس کی ضد ہے؟ نفقہ کی۔ وانتفضت الاحوال، حالات مضطرب ہو جائیں گے، انتفضت بگڑ جانا، انتشار ہو جانا۔ وابزعر الناس، لوگ متفرق ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، ابزعر یعنی انتشار، فی الافاق، ہر طرف دوسری جگہوں میں، من غیر تلک الایالہ، اس ملک کے علاوہ دوسری جگہوں میں لوگ بکھر جائیں گے، فی طلب الرزق، معاش کی تلاش میں، فیما خرج من نطاقها، ان جگہوں میں جو اس ملک کی حد سے باہر ہے، یعنی دوسرے ملک میں چلے، نطاق معنی حد، دائرہ، ابزعر یعنی انتشر الناس، فی الافاق یعنی فی الجوانب، فی الاطراف، دنیا کے اور خطوں میں پھیل جائیں گے، اس ملک کے علاوہ رزق کی تلاش میں جو اس ملک کی سرحد سے باہر ہے۔ فخف ساکن القطر، تو ملک کی آبادی، ملک کے رہنے والے کم ہو جائیں گے، وخلت دیارہ، اور اس کے دیار خالی ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائیں گے، خربت امصارہ، گھر اجڑ جائیں گے تو شہر اجڑ جائیں گے، واختل باختلالہ، اور آبادی کے مختل ہونے سے، حال الدولت، حکومت کا اور سلطنت کا حال مختل ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا، اختل معنی بگڑ جانا، خلل والا ہو جانا، تو آبادی بگڑے گی تو ملک بھی بگڑے گا، آبادی کے بگڑنے سے ملک بھی بگڑ جائے گا۔ لما انہا سورتن، ڈسٹرب کر رہا ہے، لما انہا سورتن للعمران، کیونکہ ملک آبادی ہی کی فوٹو ہے، اسی کی دوسری تصویر ہے، تو جب اصل چیز ختم ہوگی تو ملک بھی ختم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔